दूसरा मसला यह है कि अगर हुकूमत का और PMLN और PTI वर्सेस एक सिचुएशन पैदा हुई है, पंजाब के हालात इनके काबू से बाहर हो रहे हैं, स्पेकुलेशन ये है कि ईद के बाद नून लीग वाले कोई नई धड़ाबंदी करके हुकूमत के खिलाफ कोई मुहाजराई चाहते हैं और शहबाज शरीफ जाएंगे अपने भाईजान से कोई मशावरत करेंगे, कोई बातचीत तय करके कोई इस्टेब्लिशमेंट से मिल मिला के कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ये क्या सराय यही है, इनको जो भी परेशानी हो तो उसका कोई कानूनी रास्ता होना चाहिए, किसी की विश लिस्ट के ऊपर उस मामला को नहीं चलना चाहिए। तो ये मेन मौजूद हमारे आज के इस प्रोग्राम में यही दोनों रहेंगे। जो शुरका है हमारे साथ स्टूडियोज, कमल शोजब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अताउल्ला तारड हमारे साथ होंगे लाहौर से, और मौला बख्श चांडियू साहब हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। और एक हमने गुज़श्ता रोज़ अपडेट किया था कि पाकिस्तान में कुछ पेशेंट सामने आए हैं जिनमें ब्लैक फंगस, कोरोना के मरीज़, इनके अंदर ये एक प्रॉब्लम नज़र आती है। वो है तो उसका मुश्किल से नाम म्यूकर है, एक प्रॉब्लम बेसिकली जो साइनसेस को, आंखों को, दिमाग को, कोयल लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। वो क्यों, किस वजह से होती है, कॉजेज क्या हैं, और उन मरीज़ों को बचाना कैसे है। इंडिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारों ने छापी हैं कि 50% तक ऐसे मरीज़ जो हैं उनकी अमवात हो रही हैं। लाइल्मी और बेहतियाती दो बड़े असबाब हैं उसके, और प्रोलॉन्ग जो ICU के अंदर जो लोग एडमिट रहते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं।